हेलो एवरीवन, अगेन ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन दिसंबर 2011 का है, ठीक है। थर्मो का एक क्वेश्चन है दिसंबर 2011 से CSIR। अगेन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, इस क्वेश्चन में आपको कह रहा कि लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम है। ये यहाँ पे लिक्विड है और ये चेंज हो रहा है वेपर के अंदर, ठीक है, और ये वेपर कन्वर्ट हो रहा वापस से लिक्विड के अंदर। इस इक्विलिब्रियम के लिए ये कह रहा है कि 1 bar प्रेशर के ऊपर 400 केल्विन के ऊपर जो डीपी अपॉन ओके, यहां पे मैं कुछ मिस कर गया। एट 400 केल्विन द वैल्यू ऑफ डीपी अपॉन डीटी इज, ठीक है, ये क्वेश्चन है एग्जैक्टली कि आपको डीपी अपॉन डीटी की वैल्यू दे रखी है 400 केल्विन और 1 bar प्रेशर के ऊपर। ये है 8 × 10⁻³ पर केल्विन। और आपसे कह रहा है कि अगर मोलर वॉल्यूम वेपर फेज में 200 लीटर है और मोलर वॉल्यूम लिक्विड फेज में नेग्लिजिबल है तो आप मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ध्यान से देखो। आपको ये पता है कि डीपी अपॉन डीटी इक्वल होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख, अच्छा, डेल्टा एस इक्वल होता है डेल्टा एच अपॉन टी, ठीक है। तो इसको आप ये लिख सकते हो डेल्टा एच अपॉन टी डेल्टा वी, ठीक है। अब डेल्टा एच प्रोसेस कौन सी है, वेपराइजेशन, तो डेल्टा एच वेपराइजेशन हो गया। टेम्परेचर कौन सा है, बॉइलिंग वाला टेम्परेचर ऑफकोर्स। और डेल्टा वी क्या होगी, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल वॉल्यूम किसकी है, वेपर फेज की है, माइनस इनिशियल वॉल्यूम किसकी, लिक्विड फेज की है। तो ये आ गया, ठीक है। तो हमारे पास आ गया dP अपॉन dt इक्वल, क्लॉसियस इक्वेशन का ये न्यूमेरिकल है, ठीक है, क्लॉसियस इक्वेशन, क्लॉसियस क्लिपेरियन नहीं, क्लॉसियस इक्वेशन। तो यहां से आ गया डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय टी। अच्छा, वी गैस में लिख देता हूँ, वी वेपर को, वैसे तो वेपर ही लिखना चाहिए, और यहाँ पे वी लिक्विड। इसको अगर नेगलेक्ट हम कर दे तो हमारे पास क्या बच गया, वी गैस, क्योंकि इन्होंने बोल रखा नेग्लिजिबल है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू हमारे को क्या दे रखी है डीपी अपॉन डीटी की, 8 × 10⁻³ बार पर केल्विन, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 400 केल्विन, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 200 लीटर पर मोल, ठीक है, ठीक है। और ये हमें फाइंड आउट करना, तो देखो डेल्टा एच वेपराइजेशन क्या आ जाएगा, इन दोनों टर्म्स को इस साइड ले जाओ, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देखो 200 यहाँ पे यूनिट है लीटर पर मोल इनटू 400 केल्विन यूनिट है इनटू, वहाँ पे यूनिट दे रखी है 8 × 10⁻³ बार पर केल्विन, ठीक है। तो देखो केल्विन से तो पर केल्विन कट गया, ठीक है, मैं इससे काट देता हूँ अलग कलर से, केल्विन से पर केल्विन कट जाएगा, ठीक है। लीटर बार बचेगा, ठीक है। देखो डेल्टा एच वेपराइजेशन, अब ध्यान से देखो, यहाँ 10⁴ होगी, देखो 4 × 8 ये कितना हो गया, 8 × 10⁴, और यहाँ पे है 8 × 10⁻³। ये यूनिट हमारे पास आ गई लीटर बार, ठीक है, पर मोल। अब यहां से कितना आ जाएगा, 64, यानी कि 640 आ गया हमारे पास, ठीक है, लीटर बार पर मोल, ठीक है। तो डेल्टा एच हमारे पास आ गया 640 लीटर बार पर मोल। अब देखो 1 liter bar जो होता है वो इक्वल होता है 100 joule के, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एच वेपराइजेशन 64,000 joule पर मोल, ठीक है। इसको शॉर्ट में लिखना चाहो तो ये आ जाएगा 64 kJ पर मोल, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप देख लीजिए अगेन, अगर इसमें भी कोई डाउट है तो मुझे नहीं पता मैं आपको कैसे समझाऊं। डायरेक्ट फॉर्मूला का क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला का क्वेश्चन, और कैलकुलेशन भी बहुत आसान है। CSIR की सबसे अच्छी बात यह है कि वो ऐसे क्वेश्चन देगा जिनकी कैलकुलेशन डायरेक्ट हो जाए, क्योंकि उसको पता है कि कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, ठीक है। कुछ क्वेश्चन कई बार ऐसे होते हैं जिनमें कैलकुलेशन लंबी पड़ जाती है, बट ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।